फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल रामनगर दीपिकास फैमिली में। आज है वर्षावृत्ति का व्रत और घर का काम वगैरह सब हो गया है, तो मैंने सोचा अब मैं पूजा करती हूँ। वैसे तो मैंने ये ग्रीन कलर का नया सूट पहना है, कुर्ती, क्योंकि मैं आज के दिन पूरा कपड़ा ही पहनती हूँ, मतलब नया ही पहनती हूँ। और पूजा करते वक्त मैं साड़ी पहन लेती हूँ, जो मैंने कल थोड़ी देर के लिए मतलब पहनी थी खाली चेक करने के लिए, और अब मैं पहनती हूँ और उसके बाद मैं करती हूँ पूजा। सिंपल सी कथा पढ़ती हूँ, सिंपल व्रत रखती हूँ। करवा चौथ है, हाँ मैंने जरूर बहुत मतलब अच्छे ढंग से मतलब मनाती हूँ। इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, इसमें फलाहार खा भी सकते हैं। इससे करवा चौथ में निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो अगर मैं पूजा करते वक्त वीडियो बना पाई तो मैं बनाऊँगी। वर्षावित्री व्रत के लिए मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने जो ये साड़ी खरीदी थी वो मैंने रेडी टू वेयर साड़ी, वो मैंने पहन ली है। पिछौड़ा मुझे मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चल रख दिया है मेरा, कितना ढूंढा मैंने। सिंपल सी तैयार हुई हूँ, हल्का सा मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है, फेस प्राइमर तो मैं लगाती ही हूँ। उसमें मैं गुड वाइब्स का वाटरमेलन जेल लगाती हूँ। फिर मैंने हल्का सा फाउंडेशन लगाया, जो मेरी ओलिविया की ब्यूटी स्टिक है वो लगाई, और हल्का सा फेस पाउडर लगाया। इसके अलावा मैं बस लिपस्टिक लगाई है हुडा की, और छोटी सी बिंदी, और इसके अलावा मैंने कोई मेकअप नहीं कर रखा है, बस अपना बाल वाला सेट पहन रखा है। तो ये है मेरा वर्षावित्री लुक, थोड़ा मॉडर्न टाइप का हो गया ना, ट्रेडिशनल नहीं है। एक्चुअली एक तो मैं जूड़ा उड़ा नहीं बनाती, तो ट्रेडिशनल लुक आता नहीं है, और थोड़ा आंटी दी टाइप थोड़ा बनना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा मैं इसी ऐसा ही लुक शुरू से ही पसंद करती हूँ। तो अब मैं करती हूँ पूजा, और सिंपल सी पूजा करनी है। मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, पहले तो तब भी चली जाया करती थी, अब जब से कोरोना की वजह से मैं मंदिर नहीं जा रही। वैसे तो वट की वट जो का वृक्ष जो होता है उसकी पूजा की जाती है, उसमें धागा वगैरह बांधा जाता है, लेकिन मैं अब घर में ही कथा पढ़ लूँगी और पूजा कर लूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, और थोड़ा सा अपना ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैंने पल्ला रखा, वो कुछ ज्यादा ही आगे हो गया, पूरा आगे हो गया। हिमाती तो बोलने में लगी रहती, ये करो ऐसा करो वैसा करो, जब तक पूजा नहीं हुई वो कुछ ना कुछ बोलती रही। अब मैं लगा रही हूँ रोली, अक्षत, पिठिया, क्योंकि सबसे पहले अपने लगाना चाहिए, उसके बाद भगवान जी के लगाया जाता है। अब मैं कथा पढ़ूंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया और हिमादी जो मैंने तीली जलाई देखी उसको हाथ में पकड़ रखा है, उसके साथ खेल रही है, और इसने जलाया भी अपने को अभी।
आज बहुत दिनों बाद मैंने रेड चूड़ियां पहनी। अब मैं करूंगी आरती। सबसे पहले की गणेश जी की आरती। पार्वती पिता जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन वृषभाहन साजे। ओम जय शिवे ओंकारा। पूजा भी हो गई, कथा भी पढ़ लिया, उसके बाद जो भगवान जी से मांगा था वो मांग भी लिया। वट सावित्री में ये जो डोरा है वो गले में पहना जाता है, तो मैं अपना जो वट सावित्री वाला डोरा है वो गले में पहन रही हूँ। मैं तो इसे निकाल देती हूँ, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे आज के दिन उन्होंने ये डोर पहनी, उसके बाद जब अगला वट सावित्री का व्रत आएगा तभी पुरानी डोर निकालते हैं और फिर नई डोर धारण कर लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं जब उसका कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है तो इसे निकाल देती हूँ। मैंने पूजा कर ली है, मैं सिंपल सी पूजा करती हूँ, बहुत मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा करती हूँ, मैं मंदिर वगैरह नहीं जाती हूँ, जैसा मुझे आता है मैं करती हूँ। लोग तो बहुत ही रीति रिवाज के साथ जो बिल्कुल ट्रेडिशनली जैसे कि करा जाता है वैसे करते हैं, मंदिर में जाते हैं, वट वृक्ष की पूजा होती है। अब यहाँ पर तो मैं व्रत का एक दहनी भी नहीं ला पाई हूँ, तो बस मन में श्रद्धा है उसी के साथ मैंने पूजा की। सासू बहू माँ को मैं थोड़ा सा बयान दे देती हूँ। वैसे मैं इसमें ऐसा कुछ दिया रुमाल या एक ब्लाउज पीस या 500 रुपये रख देती हूँ और बस मैं इसमें नहीं देती, लेकिन हाँ करवा चौथ में बहुत भारी करती हूँ, उसमें उन्हें पंचमेवा खाना वाना सब देती हूँ। तो अब मैं जाती हूँ अपनी सासू माँ के पास और उसके बाद कुछ चाय वगैरह पीती हूँ, क्योंकि इसमें हम फलाहार कर सकते हैं, करवा चौथ में हाँ निर्जला रखा जाता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। अब मैंने मैंगो शेक पी लिया है, मेरे बेटे ने भी मेरे साथ व्रत रख रखा है और उसे ही मैंने एक ग्लास मैंगो शेक पिला लिया है, तो थोड़ा सा रिलैक्स सा फील हो रहा है, वरना भूखू लगने लगी थी। और बस मम्मी लेट गई हैं, मम्मी को खाना खिला दिया था। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। वैसे बहुत बड़ी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, अब पता नहीं कितनी बन गई, सिर्फ आज की थोड़ी सी वट सावित्री के व्रत की मैंने बना रखी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। और नमस्कार बोलो जल्दी बोलो बाय बाय।